नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बालाघाट जिले की कमान संभालने के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा बुधवार को पहली बार प्रशासनिक दौरे पर कटंगी आए। इस दौरान उन्होंने कटंगी चार घंटे तक अधिकारियों की क्लास की तथा मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की समस्या को पूर्व से संज्ञान में लेकर सेंट्रल बैंक शाखा कटंगी और तिरोड़ी के प्रबंधकों से समूहों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग न करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय में अधिकारियों के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रोहित बम्होरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश सराचे सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। करीब दो घंटे तक जनपद पंचायत में चली बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को कलेक्टर ने अपने अपने विभाग की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने से प्रभावित हुए शरणार्थियों ने मुलाकात की। कटंगी शहर में सिनेमा चौक से बस स्टैंड के बीच सड़क निर्माण कार्य के लिए जिन शरणार्थी दुकानदारों को नजों की भूमि से हटाया गया, सभी मुलाकात में कलेक्टर से मुलाकात की तथा सिनेमा चौक में विस्थापन कराने की मांग की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर भारत न्यूज।